नमस्कार श्रोताओं श्रोताओं आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पुराने दौर के सुनहरे गीतों को एक माला में पिरोकर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि आज के गीतों को सुनने का मन नहीं करता है और पुराने गीतों को सुनते सुनते जी नहीं भरता है। तो चलिए गीतों के पवित्र सागर की एक शांतमय लहर को महसूस करते हैं। गीत में उपयोग की गई शब्दावली धुने व अंतरात्मा से निकली हुई गायक की शांतमय आवाजें भावनाओं के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर कर देती है। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यह गीत 1968 में आई फिल्म अनोखी रात का है, जिसे मुकेश जी ने अपनी मखमली आवाज से गाया है। गीत की शांतिपूर्ण और मनमोहक धुनों की रचना संगीतकार रोशन जी ने की है और इसे अपनी लेखनी से रचा है प्रसिद्ध लेखक इंदीवर जी ने। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। श्रोताओं पुराने समय में छोटे बड़े सफरों को पैदल या बैलगाड़ी से ही तय किया जाता था। ऐसे में लोग रास्तों में मनोरंजन के लिए गीत गुनगुनाया करते थे। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ऐसे ही नायक संजीव कुमार भी पथ की थकान व नीरसता को कम करने के लिए गीत गुनगुना रहे हैं और गोने की दुल्हन सी सजी नायिका जहीदा जी भी नायक के द्वारा गाए जा रहे गीत को सुनकर उल्लासित हो रही हैं। अनजाने हो तो पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। गीत में नायक अपनी नायिका से बने हुए नए रिश्ते का भी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी पवित्रता झलक रही है। इतवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने। श्रोताओं अब वो दौर नहीं रहा जब ऐसे गीतों के गीतकार संगीतकार गायक बड़ी ही सादगी से ऐसे अमर गीतों को हमारी झोली में सौंप देते थे। ऐसे शांतमय गीतों को सुनने से मन को अलग ही सुकून मिलता है। अब तो गीतों में अश्लीलता ही अधिक देखने को मिलती है। आज के गीत इन कालजयी गीतों की धूल भर भी नहीं है। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। दोस्तों यदि आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप हमारी प्रस्तुति व इस गीत को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। हाँ। 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 हाँ।